उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर पाठम इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति पत्नी समेत छोटे बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक आग बिल्डिंग के बेसमेंट में भड़की और फिर देखते ही देखते उसने 3 मंजिलों को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वीडियो में नजर आया कि बिल्डिंग पूरी तरह आग की लपटों से घिर गई, जिसे देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें रवाना कर दी गयी, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 18 दमकल की गाड़ियां और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहां पर पहुंचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। आग इतनी भीषण थी कि मकान में फंसे 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दावा किया गया कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसके बाद 3 मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान थम गया। पहले फेज में 1 दिसंबर को राज्य की 89 सीटों पर वोटिंग होगी।